क्या है। सो कल आपने देखा कि कैसे मैं मुंबई से दिल्ली आई, और अब मैं इस हफ्ते कोशिश करूंगी ससुराल व्लॉग पूरा शूट करने के लिए। और आज इतना इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने शूट किया है गोलगप्पा चैलेंज। इतिहास में पहली बार अगेन अपनी सासू माँ के साथ गोलगप्पा चैलेंज शूट किया। इतना अमेजिंग, इतना मज़ा आया है ना। आने वाली सारी वीडियोज़ में आप बहुत इन्जॉय करने वाले हो। आप तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ गोलगप्पा चैलेंज। उससे पहले करवा चौथ की तैयारी का मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आप लोगों को पता है मैं करवा चौथ की जर्नी अपनी सेलिब्रेट कर रही हूँ, और डे बाय डे आपको टिप्स देती जा रही हूँ, कभी मेकअप का, कभी स्किन केयर, कभी हेयर स्टाइल। तो अभी बहुत सारे मेकअप का ज्ञान आपको दे दिया है। मुझे लगता है कि अब जरूरत है स्किन को पैम्पर करने की। काम करते हैं, स्किन केयर टिप्स की बात कर लेते हैं। तो DIY फेशियल मैंने आप लोगों को बताया था, अगर वो आपने ट्राई किया होगा ना तो आपको निखार करवा चौथ तक जरूर मिल गया होगा अब तक। इन केस जो लड़कियां ट्राई नहीं कर पा रही हैं, हॉस्टल में रहती हैं, तो करवा चौथ के स्किन केयर की बात कर लेते हैं। देखो करवा चौथ में हम फास्ट रखते हैं तो ग्लो चेहरे पे रह पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अंदरूनी ग्लो नहीं रहता है। तो बाहर से ग्लो लाएं आप चेहरे पे, इसके लिए आपको खुद एक आध चीज़ें करनी होती है। फेस मास्क वगैरह ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन स्पेशली हम फास्ट रखती हैं तो हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि DIY करें। तो क्विक फिक्स मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही अच्छी टिप देने वाली हूँ। और इस टिप को यूज करने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आपने अपने चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी करा ली हो, ऐसा आपको फील आएगा, क्योंकि आपके चेहरे के फ्लॉज को इतने अच्छे से निकाल देता है। माना मैं करवा चौथ सीरीज लेके आई हूँ, लेकिन करवा चौथ के बाद दिवाली और दिवाली के बाद शादियां, इतनी सारी एक के बाद एक है, तो ऐसे में स्किन केयर टिप्स खाली एक वीडियो में बोल के खत्म कर दूं ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इजी रेडीमेड 100% नेचुरल हर्बल स्किन केयर टिप आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मार्केट में न्यूली लॉन्च हुआ है, तो मुझे लगता है शायद पहली बार मैं आपको बता रही हूँ। लोटस आपने यूज किया होगा, लोटस के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, पैराबेन फ्री होते हैं, केमिकल्स फ्री होते हैं। और ये वाला हर्बल वाला मैं आपको बता रही हूँ, इकाई लोटस ने लॉन्च किया है न्यूली। ये रेडीमेड फेस पैक है, ट्रस्ट मी गर्ल्स, मैंने इतना बढ़िया फेस पैक नहीं देखा। इस डिब्बे के अंदर 5 पैक्स आते हैं, उनमें से 2 फेस पैक होता है, 1 सोफिल आता है, 2 स्क्रब आते हैं। आपको यूज कैसे करना है तो मैंने आपको अलग अलग डिब्बों में से अलग अलग फ्लेवर निकाल करके दिखा रही हूँ। सब में फ्रूटी फ्लेवर होता है, लेकिन ये होता है 100% नेचुरल हर्बल, केमिकल फ्री, पैराबेन फ्री होते हैं। बस आपको पैकेट खोलना है और अप्लाई करना है। इसका एप्लीकेशन अभी मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने फेस के ऊपर स्क्रब लगा रही हूँ, बहुत अच्छे से आपके फेस के जितने भी डेड स्किन होते हैं ना उनको रिमूव कर देता है, फेस पे हेल्दी ग्लो लेके आता है। आप देखिए आपको कौन सा रिक्वायरमेंट है, आपको चेहरे पे पिंकिश ग्लो चाहिए, हेल्दी ग्लो चाहिए, फेस ब्राइटनिंग लाइटनिंग में आपको चाहिए हेल्प, तो उसके हिसाब से अलग अलग वराइटीज इसकी आती हैं, बहुत सारी वराइटीज हैं। आप अपनी त्वचा के हिसाब से चूज कर लीजिए अपने लिए। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से चूज कर सकती हैं। स्क्रब के बाद अब मैं यहाँ पे फेस मास्क लगा रही हूँ। ये फेस मास्क लगाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे चेहरे पे आपने प्लास्टिक सर्जरी करा ली हो। जैसे प्लास्टिक सर्जरी करा के आपके फेस के सारे फ्लॉज निकल जाते हैं, दूर हो जाते हैं, चेहरा शाइनी ग्लोई हेल्दी हो जाता है, उसी तरीके से ये वाला फेस मास्क हेल्प करता है। फर्स्ट इंप्रेशन इसका ऐसा ही रहा, हालांकि लॉन्ग रन में यूज करोगे तो बहुत इफेक्टिव इम्पैक्टफुल होता है। जितनी भी हर्बल नेचुरल ऑर्गेनिक चीजें होती हैं वो ऑफकोर्स आपकी स्किन के लिए अच्छी होती हैं, उन्हीं सब ऑर्गेनिक चीजों का मिश्रण है ये। जो लड़के हॉस्टल में रहती हैं या जो हाउसवाइफ बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बिजी होती है, वर्किंग भी होती है, बच्चे भी होते हैं, DIY का टाइम नहीं निकाल पाती हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। खाली 10 मिनट के लिए इस फेस मास्क को लगाना है और 10 मिनट बाद नॉर्मली वॉश इट ऑफ कर लीजिए, बहुत अच्छा है। आज का दिन स्पेशल है तो स्पेशल दिन पे स्पेशल तरीके से अपने स्किन का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको एक सिंगल 85 रुपीज का पड़ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़कियां ही लगाएंगी, लड़के भी अपने फेस पे लगा सकते हैं। बहुत होगी स्किन केयर की बात, अब मैं आपको इतना धमाकेदार रोचक एपिसोड लेके आई हूँ सासू माँ के साथ गोलगप्पा चैलेंज। ये वीडियो देखने के बाद ना आप ना अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मतलब मेरी सासू माँ तो हंसते हंसते रो पड़ी थी, इनके आकर मैं आंसू आ गए थे। तो आप लोग भी ये चटपटा चैलेंज अपनी सासू माँ के साथ करना ना भूले, आपका प्यार बढ़ेगा, बॉन्डिंग बढ़ेगी और रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। ऐसी हंसी खुशी के पल एक साथ बिताओगे, याद मुझे फिर जरूर करोगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज होने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग। मेरे बी नेचुरल के इतिहास में पहली बार आज होगा गोलगप्पा चैलेंज विद माय सासू माँ। तो अपनी सासू माँ के साथ हम करने वाले हैं, मतलब मैं करने वाली हूँ गोलगप्पा चैलेंज। ज्यादा गोलगप्पे नहीं रखे, कम रखे, क्योंकि हम दोनों ही, मुझे लगता है इससे ज्यादा हम खा पाएंगे।
कंपटीशन ये होने वाला है कि देखते हैं कि हम दोनों में सबसे पहले कौन फिनिश कर पाता है इसको, और हमने अपने सपोर्टर्स को भी बुला रखा है। तो मुझे सपोर्ट करने वाले हैं मिस्टर सैंडी, और मम्मी जी को सपोर्ट करने वाली है मिस दिया। देखते हैं हमारे सपोर्टर्स किसको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ सैंडी बताएंगे, सैंडी जी बताइए कि कौन जीतेगा, चाची या माजी? मुझे लगता है क्या ना चाची। क्या छोटी चाची, छोटी चाची, छोटी चाची। और आप बताइए सिया जी कौन जीतेगा? माजी। अच्छा माजी, तो देखते हैं हम दोनों के सपोर्टर्स के साथ हम हैं तैयार। मम्मी जी क्या आप तैयार हैं? तैयार है। तो आप किसकी तरफ हो वैसे, मम्मी जी की तरफ या बीवी जी की तरफ? आप तो बता दीजिए आप किसकी तरफ हो, आप किसकी तरफ हो? ये है आपके इम्तिहान की घड़ी, फैसला आपको करना है, बताइए जरा। मैं अपनी माँ की साइड हूँ। बस बॉय, मुझे पता ही था यही बोलोगे, कोई बात नहीं। बाकी घर में जितने फैमिली मेंबर्स खड़े हैं वो सब मेरे साइड है, है कि नहीं? नहीं। अच्छा कोई नहीं, जल्दी छुट्टी होकर पाँच पाँच खा लेना, ठीक है? पाँच पाँच, पाँच पाँच, पाँच पाँच, पाँच पाँच, अच्छा पाँच पाँच, सॉरी जी, पाँच तो पाँच पे बैठे बोले। अच्छा समझ में आ गया मुझे, पाँच पाँच। तो हम दोनों की प्लेटों में दस दस गोलगप्पे रखे हैं। दादी स्टडी गो, जल्दी 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 चाची जल्दी चाची जल्दी चाची जल्दी चाची। दूसरा कर लो जल्दी से, जल्दी 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 करो जल्दी ताई जी जल्दी चाची जल्दी चाची जल्दी जल्दी खा लो। पूरा आलू आलू सब लगाओ, नो चीटिंग, आलू चटनी सब जल्दी 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 नहीं नहीं जल्दी जल्दी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, जल्दी 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 करो जल्दी करो जल्दी करो मम्मी जी आप जल्दी करो जल्दी 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 मम्मी जी आप जल्दी करो जल्दी 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 करो जल्दी 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 जल्दी। चाची आप धीरे धीरे कर रहे हैं। खत्म हो गए। नहीं। चीटर, चीटर, चीटर। जल्दी मैं जल्दी चाची चीची है। अरे जल्दी करो। जल्दी 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 करो। जल्दी करो चाची। जल्दी 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 तुम हारती हो हर बार, मेरे से भी हारी हो, मेरी मम्मी से भी तुम हारोगी। मम्मी जी जल्दी करो, बस 4 बजे जल्दी कर लो, चाची की बहुत सारी बातें। जल्दी मम्मी जी जल्दी। एक्चुअली ना बाबू मेरे मुंह में छाले हो रखे हैं, तो मुझसे ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं। सच में छाले हो गए मुझे। जल्दी 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 के साथ जीतने वाले हैं, जीतने वाले हो। जल्दी चाची जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं। बस थोड़ा सा मजा है जल्दी ये चीटिंग कर रही है यहाँ पर रेखा, और सैंडी आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप खोक निकलेंगे। अभी जूम करते हैं सैंडी, हम आपको कह रहे हैं ये क्या कर रहे हो? जल्दी 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 करो जल्दी। तो यहाँ आप देख रहे हैं सासू माँ जीत गई है और भाऊ हार गई है। एक्चुअली ना मेरे मुंह में छाली हो रखी है, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं। कोई नहीं, ताली बजा दो यार, तुम्हारे हैप्पी बर्थडे क्लास को बजा लो, ताली तो बजा सकते हैं मम्मी जी के लिए। क्या सुखे खाए चबाई, तो चीटिंग किया है, फिर सुखे सुखे खाए नहीं, कम पानी पानी कम डाला है। तो मम्मी जी आप ऐसे कर दो, ये मैच जीत गई, ये दोनों माँ बेटे मिलके मुझे हर बार हरा देते हैं हर चीज में। आप दोनों ने चीटिंग की है, दुखी हो गया, सैड हो गया।
मैंने बोल दिया जिता दिया नहीं तो यहाँ आप देख रहे हैं फ्रेंड कैसे रेखा का फ्रेंड कैसे मायूस हो गया है क्योंकि उनकी जो थी खिलाड़ी वो हार चुकी है। तो ये होते हैं सच्चे फैन जो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। तो आप भी कभी चैलेंज रखें इन फ्यूचर बहू और सास बहू के बीच में तो फैन को सपोर्ट कीजिए क्योंकि फैन देखो कैसे बात बाबू आप तो दोनों से प्यार करते हो ना सर ये तो गेम था गेम का एक आप गेम था एक खिलाऊं आपको क्या अच्छा नहीं लगता सैंडी सैंडी ये तो गेम था ना बाबू ये बस गेम था हां ये क्या है बताए आपको मैं जानबूझ के हारी हूं बताए मैं जानबूझ के हारी हूं अच्छा अभी एक चीज पता लगी है सैंडी की मम्मी ने बताया कि जो जीतता है वही बैठता है हर बार अब सैंडी चॉकलेट खा रहे हैं अब हंस के दिखाएंगे चाची आप कोई बात नहीं अब अगली बार जीत जाना आप मेरे साथ हो तो मैं अगली बार जरूर जीतूंगी बट आप रोनो नहीं उसे ठीक है तो ये प्यार होता है पोता और सासू माँ के बीच में देख सकते हैं सासू माँ कितनी हंसी है हाथ उठाइए एक गलत बात है दोनों ऐसी हंस रहे छोटी चाची यही पूछो मम्मी से क्या पूछना है अच्छा मम्मी दिलाओ तो मैं छुट्टी देता हूँ सुन रहा है बोलो अच्छा तो ये तो था इंटरेस्टिंग गोलगप्पा चैलेंज इतिहास में पहली बार मुझे लगता है किसी ने अपनी सासू माँ के साथ गोलगप्पा चैलेंज किया होगा और वैसे मेरे सच में छा रहे थे इसीलिए मैं हार गई वरना ये वाला तो मैं जीत सकती थी अब तो बोलेगी मैं जीत गई मैं बोलेगी छाने तो मेरे भी हुए मम्मी जी कह रही है छाने तो मेरे भी हुए चलो तो ये है घर का सबसे छोटा प्यारा बच्चा गोलगप्पे खा रहा सॉरी हाँ कैसे हो कैसे हो हनी चलो करो मुंह में ठूस देना है ये थंबनेल में जाएगा चलो चलो ठूस दो अब देखो बस ऐसे जाके ना बस ऐसे रुक जाओ ना से हिलना मत फोटो हिल जाएगी ऐसे रुकना से ऐसे करना उसको सुनना तभी अच्छी फोटो आएगी ना वो हिलना मत फोटो वो अभी रुक जाओ